हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय अम्बेडकर नगर चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे पीछे वाला रास्ता ये देख रहे हैं, ये लंगरतीर घाट का रास्ता है और मैं इस समय लंगरतीर घाट पे हूँ। और आज आप लोगों को लंगरतीर घाट पे जो साधु रहते हैं या ये किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में बताऊँगा। और यहाँ कितने दूर दूर के लोग आते हैं सौदान करने के लिए इसके बारे में बताऊँगा। तो इन सभी को देखने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा नज़ारा देखते रहिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आप हमारे सामने ये जो मैदान देख रहे हैं, ये सब इसी घाट के अंतर्गत आता है। और यहाँ कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, फिलहाल उनके पास ना चलते हुए हम लोग सीधे चलते हैं मंदिर, जो यहाँ मंदिर है उस तरफ चलते हैं। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इसी प्रकार के दोस्तों, हम लोग अम्बेडकर नगर में जितने भी घाट हैं, जैसे रामबाग घाट, महादेवा घाट, चौहोड़े घाट, धमरुआ घाट या धमरुआ रियासत, धमरुआ की मंदिर स्नान घर, तो हम लोग ऐसे कई घाट दिखाते हैं। अगर आप लोग उन सभी घाटों का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके आप उस वीडियो का भी आनंद ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लोग देख ही रहे हैं तो देखते रहिएगा। और दोस्तों, अगर विज्ञापन अगर आप लोग को किसी को भी निकलवाना हो तो विज्ञापन निकलाने के लिए यहाँ नंबर दिया है, इस पर संपर्क कर सकता है। ये रहा दोस्तों, एक कुटी है, बैठने का स्थान भी है ये। इसी साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वहाँ दुकान है दोस्तों एक, और उसी दुकान के पीछे दोस्तों मंदिर है। और मंदिर काफ़ी बड़ी है, अब चलेंगे देखेंगे वहाँ कितनी बड़ी मंदिर है। फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया, कई लोग कई गांव के आते हैं, तो यहाँ हीरापुर के आसपास के जितने गांव के लोग हैं यहाँ शव को लेके आते हैं और उसका दाह संस्कार करते हैं। और काफ़ी दूर दूर के लोग आते हैं दोस्तों यहाँ। और ये दोस्तों, ये घाट दोस्तों काफ़ी लंबे समय तक से बनी हुई है। और ये यहाँ के जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक अर्थात दोस्तों संजू देवी जी, जो यहाँ के विधायक हैं, पूरा देख रेख उन्हीं के अंतर्गत आता है। और ये रही दोस्तों मंदिर, छोटी सी मंदिर है। और ये रहा दोस्तों, यहाँ एक और मंदिर है छोटी सी, किस देव भगवान की मंदिर देखते हैं। ये रही मंदिर दोस्तों, शनिदेव महाराज की मंदिर है दोस्तों, शनिदेव महाराज की। इस मंदिर की स्थापना दोस्तों 2018 में हुआ था 20 अप्रैल। और ये दोस्तों इस घाट की सबसे बड़ी मंदिर यहाँ है दोस्तों। ये यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग एक व्यक्ति हैं, तो हम मंदिर के पास अंदर ना जाते हुए आप लोगों को यहीं से दर्शन कराएंगे, क्योंकि मंदिर में कोई है नहीं इस समय दोस्तों। ये छोटी सी मंदिर इस तरफ है, हवन करने वाला हवन कुंड दोस्तों बना हुआ है, आप देख सकते हैं हवन कुंड वाला स्थान, यहाँ हवन होता है। बाहर भी होते हैं दोस्तों, जब बरसात होने लगती तो यहाँ अंदर होने लगता है। इस शनिदेव महाराज की मूर्ति है, ये दोस्तों थोड़ा हम पास जाके दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये रही मंदिर, अंदर माता जी का मंदिर है। अक्सर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा हमारे घाट वाले वीडियो में, जैसे रामबाग घाट हो गया, चौहड़े घाट हो गया या महादेवा घाट हो गया, हम लोगों ने जितने घाट के वीडियो बनाए हैं सभी घाट के वीडियो में कोई ना कोई भगवान देवी देवता उस घाट पर जरूर रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग वहाँ दर्शन भी करने जाते हैं। ये रहा दोस्तों मंदिर के पीछे का दृश्य, काफ़ी जंगल एरिया है, देख सकते हैं आप मंदिर के पीछे का दृश्य है ये। अब मंदिर के फ्रंट पर चलते हैं, जिस तरफ दोस्तों
नदियाँ हैं जहाँ लोग स्नान करते हैं सावधान करने के बाद। और दोस्तों, अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ एक माता जी हैं जो कढ़ाई चढ़ा रही हैं, धीरे धीरे कदमों से चलते हैं दोस्तों उस नदी की तरफ। फ्रेंड्स, ये लंगर तीर्थ स्थान पे जो स्थान है हीरापुर के पास है, इस स्थान पे दोस्तों मेला बहुत बड़ा लगता है। यहाँ पूरे अम्बेडकर नगर ज़िले के लोग आते हैं और इस लंगर तीर की इस गंगा इस नदी में स्नान करते हैं। और इसमें स्नान करने के लिए दोस्तों टाली से भर भर के लोग हीरापुर से, नौरानी से या हमारे बसखारी की तरफ से लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ। अब चलते हैं दोस्तों उसी मंदिर के, उसी जहाँ लोग स्नान करते हैं उस नदी के तरफ। आप मिट्टियाँ देख सकते हैं एकदम सकरी नुमा घाटियाँ से जो कट गई हैं, जो आप लोगों को हम लोग चाड़ीपुर के गुफा के नुमा दिखाए थे सेम वैसे बन गई है, और कमरिया घाट का भी दिखाए थे दृश्य तो ऐसे बन गया दोस्तों। ये दोस्तों ये रहा घाट, और यहाँ से पानी आप लोग देख ही सकते हैं कितना फैला हुआ है, और वह काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैले हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कोहिसा भी उधर पड़ा हुआ है, वहाँ लोग सावधान कर यहाँ सावधान कर रहे हैं, इसे देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ दोस्तों देखते रहिएगा आप और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ दोस्तों एक अजीब बात है, यहाँ एक आश्रम भी है संत कबीरदास की। चलेंगे उस आश्रम के पास, उस आश्रम में क्या खासियत है उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ और आगे हम। तो फ्रेंड्स, ये रहा सार्वजनिक बैठने का स्थान, अर्थात दोस्तों जब वर्षा होने लगती है लोग यहीं आके बैठते हैं। और ये रही मंदिर, और काफ़ी पुरानी मंदिर है, छोटी मंदिर है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है मंदिर, ये बहुत अच्छी बनी हुई है, पत्थर टाइल्स सब कुछ लगे हुए हैं। अब यहाँ के जो विधायक वो बनवाए हुए हैं या यहाँ के जो साधु हैं वो बनवा रहे हैं, तो फ़िलहाल इस समय कोई है नहीं। और वैसे यहाँ अगर शिलालेख लगा होगा दोस्तों तो हम लोग शिलालेख के बारे में आपको बताएंगे, किस व्यक्ति का, किस आदमी का शिलालेख लगा, किसने इसमें बनाने को या इसको बनाने को ज़्यादा योगदान दिया है। ये रहा दोस्तों शिलालेख के पास चल रहे हैं हम लोग, शिलालेख कहाँ पे है अभी आपको दिखाते हैं हम। ये दोस्तों रहा शिलालेख, श्री लक्ष्मी नारायण मध्यसिया, श्री धर्मपत्नी श्रीमती नारायण देई, जो इन्हीं लोग के योगदान से ये बनवाया गया है। और इसी साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं उस मंदिर की तरफ, और ये और कुटी की तरफ जो आश्रम उसके तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों अंग्रेजों के समय का मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है, छोटा वाला ये वाला आप देख सकते हैं, इसका जो गुम्बद है टूट गया है, इसकी मॉडलिंग दोस्तों आप देख रहे हैं अंग्रेजी कुनुमा बना हुआ, ये मॉडलिंग जिसे प्राचीन समय में अंग्रेजों बनाते थे ऐसी मॉडलिंग बनी हुई है इसको इसका। अब बगल में दोस्तों हमारे यहाँ जो आप पोस्टर ये देख रहे हैं, ये हमारे द्वारा अम्बेडकर नगर टैलेंट सर्च कंपटीशन कराया जा रहा है, अगर आपके बच्चे इच्छुक हैं तो इसमें पार्टिसिपेट भाग ले सकते हैं, इसका पूरा विवरण डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो पहुँच आए हैं दोस्तों हम आश्रम पर, और आश्रम के अंदर चलते हैं।
ये रहा दोस्तों आश्रम का फर्स्ट गेट। चलते हैं, किन की मूर्ति है या किस महान पुरुष या किस कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं और कितना बड़ा आश्रम है, इसके विषय में आप लोग को अंदर चल के वहाँ से दिखाते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग वीडियो में किसी से यहाँ जानकारी नहीं ली है क्योंकि यहाँ लोग कम लोग ही रहते थे और कोई वीडियो में आना भी नहीं चाहा, बोलना भी नहीं चाहा। अंदर पहुँचा है दोस्तों, आप अंदर से नज़ारा देख ही सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और इसके पास चलेंगे दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसके बाहर का सामान दिखा दें आप लोगों को, दृश्य ये सब है। इतनी का ज़्यादा तो नहीं दोस्तों, मान चल रहे हैं 5-6 बिस्से 7 बिस्से में ये लगभग फैली होगी, ऑलमोस्ट लगभग 6-7 बिस्से में दोस्तों फैली होगी यहाँ। और बगल में जो छप्पर हैं वहाँ साधु जी रहते हैं। और अब तक दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग अम्बेडकर नगर के बारे में जितनी भी पुरानी इमारतें या जितने भी घाट हैं या जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं सभी को धीरे धीरे एक्सप्लोर करने वाले हैं और अम्बेडकर नगर को उस मुकाम पर ले जाने वाले हैं जहाँ लोग अम्बेडकर नगर को पहचानते नहीं। और अंदर दोस्तों मूर्ति जो बनी हुई है, लगी हुई है, चलते हैं पास में हम आपको दिखाते हैं। ये जो मूर्ति है दरी दोस्तों मूर्ति संत रविदास की और संत कबीरदास की मूर्ति जो है, ये रहे दोस्तों रविदास इस साइड, इस रविदास और दोस्तों कबीरदास, ये कबीरदास है दोस्तों, ये रविदास जी हैं। और इन्हीं के उपलक्ष्य में लोग यहाँ रहते हैं, इन्हीं के शरण में रहते हैं। और यहाँ दोस्तों लिखा भी गया है दान दक्षिणा देने वाले लोगों का नाम लिखा गया है, यहाँ जो संरक्षक उनका भी फ़ोटो लगा हुआ है। और यहाँ जो साधु रहते हैं, ये माता जी का मंदिर है जस्ट बगल में दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को तुरंत ही लाइक करिए, सॉरी दोस्तों सब्सक्राइब भी करिए।